नुसरत भरूचा आज पूरे 37 साल की हो चुकी हैं। प्यार का पंचनामा, आकाशवाणी, सोनू के टीटू की स्वीटी, ड्रीम गर्ल और छोरी जैसी बेहतरीन फिल्मों में दिखाई दे चुकी नुसरत ने अपनी शुरुआत की थी 2007 में आई फिल्म जय संतोषी माँ से। लेकिन बॉलीवुड में पहचान बनाने के लिए नुसरत को कई सालों तक संघर्ष करना पड़ा। शुरुआत में नुसरत की कई फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन आखिरकार 2011 की फिल्म प्यार का पंचनामा से इन्हें देश भर में पहचान मिल गई। 1985 को नुसरत भरूचा का जन्म बॉम्बे की एक दाऊदी बोहरा फैमिली में हुआ था। नुसरत ने जय हिंद कॉलेज से पढ़ाई पूरी करके एक्टिंग में करियर बनाया। इन्होंने साल 2002 के टीवी शो किटी पार्टी में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी और महज एक साल के अंदर ही नुसरत ने ये शो छोड़ दिया और फिल्मों की तरफ रुख कर लिया। नुसरत ने साल 2006 की फिल्म जय संतोषी माँ से अपना डेब्यू तो कर लिया, लेकिन ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। दो साल तक नुसरत के पास कोई काम नहीं था। 2009 में नुसरत दूसरी फ्लॉप फिल्म कल किसने देखा में नजर आई। एक साल के बाद नुसरत दिबाकर बैनर्जी की फिल्म लव सेक्स और धोखा में नजर आई, जो एक एवरेज फिल्म थी। नुसरत भरूचा को साल 2011 की फिल्म प्यार का पंचनामा से काफी कामयाबी मिली। फिल्म में उन्होंने कार्तिक आर्यन के ऑपोजिट नेहा का किरदार निभाया था। इस फिल्म को दर्शकों का बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला, लेकिन उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ी क्योंकि वो इस फिल्म में एक नेगेटिव किरदार में थी और इस वजह से लोग उनकी शक्ल से नफरत भी करने लगे थे। एक इंटरव्यू के दौरान नुसरत ने कहा था कि लोगों को ये लगने लगा था कि मैं असल जिंदगी में भी इतनी ही नेगेटिव हूँ। प्यार का पंचनामा के बाद नुसरत कार्तिक आर्यन और सनी सिंह के साथ आकाशवाणी में नजर आईं। ये फिल्म एक बहुत बड़ी फ्लॉप रही और उसके बाद नुसरत डिप्रेशन में चली गई। नुसरत ने कहा था कि वो इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद काफी डिप्रेस हो गई थी और वो इतनी डिप्रेस थी कि उन्होंने इस फिल्म के लिए अपनी पूरी फीस भी नहीं ली। उन्होंने प्रोड्यूसर से कहा था कि मैं परेशान हूं कि उनके पैसों का नुकसान मेरी वजह से हुआ है। नुसरत 1.5 साल तक डिप्रेशन में रही और फिर उन्हें प्यार का पंचनामा 2 मिल गई। नुसरत बताती हैं अपने स्ट्रगल के दिनों में उन्होंने साल 2008 में आई फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए भी एक ऑडिशन दिया था। उनकी एक्टिंग तो लोगों को पसंद आई, लेकिन उन्हें फिल्म में लतिका का लीड रोल नहीं मिला। नुसरत बताती है कि वो उस रोल के लिए कुछ ज्यादा ही गुड लुकिंग थी, क्योंकि फिल्म में लतिका को बस्ती में रहने वाली एक लड़की दिखाया गया था और उस रोल में नुसरत फिट नहीं बैठती थी। बहरहाल नुसरत भरूचा इस समय जनहित में जारी को लेकर चर्चा में हैं और इसके अलावा हुड़दंग, राम सेतु, सेल्फी और छोरी 2 जैसी बड़ी फिल्में उनके पास हैं। लगातार हिट फिल्में दे रही नुसरत भरूचा इस समय 36 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन हैं और इस समय नुसरत कैडबरी डेयरी मिल्क्स, फ्लिपकार्ट और ओरल बी जैसी बड़ी ब्रांड एंडोर्समेंट का हिस्सा भी रही हैं। बॉलीवुड में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आकर इतना लंबा संघर्ष करके अपनी एक जगह बना पाते हैं जैसी नुसरत भरूचा ने बनाई है।